वहीं बीते दो महीनों से रद्द चल रही 36 ट्रेनें रेलवे ने 15 दिनों के लिए फिर से कैंसिल कर दी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हर रोज रेलवे से ही सफर करते हैं लोग और काफी बार ऐसा होता है जब ट्रेन देर से पहुंचती है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है जब यात्री ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं और उनकी ट्रेन रद्द हो जाती है, जिसकी वजह से काफी लोगों को महंगे किराए के साथ फ्लाइट में सफर करना पड़ता है। बीते दो महीनों से रेलवे ने जिन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया था उन 35 ट्रेनों को आगामी 15 दिन के लिए फिर से रद्द कर दिया है। और हमारे साथ रेलवे स्टेशन में कुछ यात्री भी मौजूद हैं, उनसे उनकी परेशानियों को समझते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफें हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बता रहे थे कि आप डेली अप डाउन करते हैं। हम लोग डेली अप डाउन करते रहते हैं, हमारा सब जगह स्टेट घूमते रहते हैं हम लोग, तो सब जगह उड़ीसा सब आते हैं। हम लोग का ट्रेन लेट ही था, अभी भी हम लोग का मेरा दुरंत ट्रेन था 8:30 का, वो तो कैंसिल हो ही गया, तो हम लोग ने तत्काल टिकट निकाला। 8:30 का ट्रेन है अभी है। तो अभी तो वो अभी तक आया नहीं, इंडिकेटर में अभी तक बताया नहीं कैसा ट्रेन है वो। हम लोग 9:30 से आके बैठे हैं, अभी तक ट्रेन ही नहीं आया, तो कितना रश रहेगा अभी आइडिया नहीं सर। अभी ऑफिस कल हम लोग को पहुँचने का भी है, दूसरे स्टेट महाराष्ट्र में पहुँचने का, अभी कैसा पहुँचेंगे अभी देखते। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जाने वाले? अभी तो मैं नागपुर जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू पूना से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, पूना नागपुर, उसके बाद अपना यहाँ पे रायपुर में आया हूँ, अभी और आगे जाना है मुझे। बट ये ट्रेन कंटिन्यू लेट मिल रही है, हमारे को जो काम के लिए जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है, ट्रेन लेट हो रही है तो कैसा। बाकी के जो मेरे साथी है वो कई यानी उनको एडजस्ट ही नहीं हो रहा है, कोई रुक रहा है, कोई किधर कैसा प्लान करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? मैडम टाइमिंग तो हमारे को जो ट्रेन का टाइम देते हैं वो टाइम पे आने को होना, बस उसकी वजह से हमारा आगे का प्लान पूरा चेंज हो जाता है। यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनका कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है और ऐसे में कई साथी जो है उनके उन्हें फ्लाइट से भेजना पड़ रहा है, महंगी टिकट पर यात्रा करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये रेलवे जिन्होंने ट्रेनों को रद्द किया है उसकी बहाली कब तक हो पाती है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।